हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा बाइसेप्स की तीन बेसिक एक्सरसाइज। उसमें मैं आपको पोस्चर सिखाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें जो है वो आपके तीन चीज़ें हैं। एक जो आपका जो ये फोरआर्म्स का जो सामने का जो पोर्शन है, ये हमेशा सामने रहना चाहिए। कुछ लोग इसको ऐसे मारते हैं, वो गलत हो जाता है, आपको टारगेट नहीं करता है सही मसल्स पे। आपको इसको स्ट्रेट रखना है और सामने रखना है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपके हैंड के बीच का गैप, ये गैप आपका एकदम मिनिमम होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका हैंड स्ट्रेट रहना चाहिए। आपका अपर आर्म बिल्कुल नहीं लेगा, आपका लोअर आर्म जो फोर आर्म है वही आपका मूव करेगा बाइसेप्स में। तो जो तीन एक्सरसाइज है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक है बेसिक बाइसेप डंबल कर्ल, दूसरी है आपकी हैमर कर्ल और तीसरी है आपकी रिवर्स कर्ल। तो पहले करते हैं हम डंबल कर्ल। आपके हैंड स्ट्रेट रहेंगे, गैप मिनिमम रहेगा। आपको ग्रिप आपको ऐसे पकड़नी है या आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ग्रिप ऐसे पकड़ते हैं तो आपके फोर आर्म्स पे असर आएगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ग्रिप्स को ऐसे पकड़ना, क्योंकि मैं उसमें हैवी वेट या कोई सा वेट मार सकता हूँ, ग्रिप को अच्छे से पकड़ सकता हूँ। सो आप ग्रिप कैसे भी पकड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप हैंड स्ट्रेट कीजिए, स्लोली अप जाइए, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ मूव कीजिए। आप अपने बाइसेप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और इसे स्क्वीज कीजिए। आप देखिए, अपर आर्म आपका बिल्कुल मूव नहीं करेगा, लोअर आर्म ही आपका मूव करेगा। आप यहाँ पे एक दो सेकेंड का पॉज कीजिए और धीरे नीचे आइए। सेम विद दिस हैंड, गैप हैंड के बीच मिनिमम रहेगा। धीरे से ऊपर स्क्वीज, वेट फॉर 1 or 2 सेकेंड एंड देन आपका नेगेटिव रहे, वो भी एज स्लो एज पॉसिबल। देखिए, स्लो अप डाउन, अप वेट एंड डाउन। 12, 15 और 18 के रैप कीजिए, 3 सेट। जो अगली एक्सरसाइज है वो आपकी हैमर कर्ल। हैमर कर्ल में आपको केवल हाथ अपना अंदर घुमाना है। अगेन गैप विल बी मिनिमम, आपके हैंड का जो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सामने रहेगा। अभी जो आप हैमर कर्ल मारेंगे ये आपके इस पोर्शन में टारगेट करेगा। इसको देखिए, साइड से देखिए, आप इसको धीरे से ऊपर ले जाइए, वेट कीजिए, यहाँ पे बाइसेप्स को आपको स्क्वीज कीजिए और धीरे से नीचे। कुछ लोग इसको अगर थोड़ा सा आगे हैंड्स अगर आप मूव करेंगे तो आप ये शोल्डर के दम पे इसको उठा रहे हैं, जो आपका गलत होगा। आप ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, तो आप इसको धीरे से केवल बाइसेप में आप इसको केवल फोरआर्म को मूव करके कीजिए। देखिए, स्लोली अप, वेट फॉर 1 or 2 सेकेंड देन कम डाउन। Then in another hand, slowly up, wait for 1 or 2 second, squeeze your bicep, और फिर धीरे से नीचे। आप साइड से देखिए, धीरे से ऊपर, वेट कीजिए और धीरे से नीचे। जो तीसरी एक्सरसाइज है वो आपकी रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल आपके फोरआर्म वाले टारगेट की जो मसल्स है उस पर टारगेट करेगी। आपको इसमें हाथ ऐसे रखना है, बट अगेन सेम थिंग, ये आपका पोर्शन सामने दिखेगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। स्टार्टिंग में आपके हैंड थोड़ा सा बाहर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपने आपको बस उसको थोड़ा सा अंदर को कंट्रोल करना है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। जब आप इसको कीजिए तो आप वेट को अंदर की तरफ टिल्ट कीजिए, जिससे आपका ये इजीली एक्सरसाइज हो जाएगा। सो देखिए, मैं इसको हल्का सा अंदर को टिल्ट करूंगा, अप एंड डाउन स्लोली, अप यहाँ पे वेट कीजिए एंड स्लोली डाउन। बिकॉज ये आपकी रिवर्स कर्ल है, तो रिवर्स में भी आपका ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। नीचे लाते हुए आप इसको स्लो कीजिए। अभी देखिए, साइड से इस पोर्शन पे ये टारगेट करेगी, इस मसल्स पे स्लोली अप, अपना ये हाथ आपका स्ट्रेट रहना चाहिए एंड देन स्लोली डाउन। इसके भी आप 12, 15 और 18 के 3 रैप कीजिए, 3 सेट कीजिए 12, 15, 18 रैप्स के। और ये एक एक्सरसाइज आपका 3 से 4 मिनट लेगी, 3 एक्सरसाइज आपके 12 से 15 मिनट लेगी। तो आप अपने दिन के टाइम में 15 मिनट दे सकते हैं अपने जिम के लिए, आपकी बाइसेप्स एकदम स्ट्रांग और शेप में रहेगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल मसल्स लैब को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको ऐसे और अच्छे वीडियोस देते रहूँगा। थैंक यू।